Hi, this is Aisha Shroff and you're watching Nav Bharat Times Sports. अगर आप बॉक्सिंग के फैन हैं, फाइटिंग के फैन हैं, मार्शल आर्ट के फैन हैं और टाइगर श्रॉफ के फैन हैं, तो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, टाइगर श्रॉफ की मॉम और मैट्रिक्स नाइट, इसकी मॉम। इन्होंने जो है फाउंड किया, उसको इजाब किया और 12वां सीजन टूर्नामेंट को एक नए लेवल पर लेके जा रही हैं। मिक्स मार्शल आर्ट का इजाद कर रही हैं भारत में, या यूं कह लें प्रचार कर रही हैं और एक नया प्लेटफॉर्म दे रही हैं यंगस्टर्स को परफॉर्म करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। ये माया नगरी फिल्म इंडस्ट्री और जैकी श्रॉफ, हम सभी जानते हैं, हम बहुत बड़े फैन रहे हैं जब्बू दादा से लेके हीरो तक, हम सब फिल्में देखी हमने। एक अलग वेंचर है स्पोर्ट्स, अचानक से आप लोग मूव करते हैं, स्पोर्ट्स में आते हैं, जबकि हम देख रहे हैं टाइगर श्रॉफ फिल्म इंडस्ट्री में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार हिट फिल्में दे रहे हैं और हर कोई उनकी बॉडी एक्टिंग का दीवाना है। किस तरह से स्पोर्ट में कैसे है? सो एक्चुअली मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूं? श्योर श्योर मैम। ओके, जैसे आप आपको अच्छा लगे। ओके, मिक्स्ड। यस, माय हिंदी इज नॉट दैट ग्रेट। वैसे हम सब सभी लोग समझ लेंगे। ठीक है। सो वैसे टाइगर का एक ब्यूटी है, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री किया था तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मैं डैड से अलग कुछ करूँ और जो मैं अपना खुद का पाथ बनाऊँ, यू नो। सो बचपन से, सिंस ही वाज 4 इयर्स ओल्ड, ही हैज बीन डूइंग मार्शल आर्ट्स। सो ही सेड आई विल फोकस ऑन बीइंग एन एक्शन हीरो, एंड वैसे भी ही लव्स एक्शन फिल्म्स, सो ही डिसाइडेड दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू डू। एंड टुडे ही हैज मेड हिज ओन प्लेस इन द फिल्म इंडस्ट्री। आई थिंक जो एक्शन टाइगर करता है कोई नहीं कर सकता, एंड बहुत मेहनत करता है टाइगर, बहुत बहुत मेहनत करता है, एंड ही हैज़ बीन डूइंग मार्शल आर्ट्स सिंस द एज ऑफ 4। सो ये जो मार्शल आर्ट्स है, इट गिव्स अ डिसिप्लिन, मेंटल फोकस, फिजिकल डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स, सब अच्छे चीज़ सिखाते हैं। सो आई फील दैट आई लव मार्शल आर्ट्स। मैं खुद ब्रूसली की दीवानी थी, यू नो, व्हेन आई वाज यंग। सो आई यूज्ड टू आल्सो डू जीत कुंडो, व्हिच इज ब्रूसलीज मार्शल आर्ट्स, एंड इट वाज ऑटोमेटिक कि वी वांटेड टू डू समथिंग। टाइगर की बोला था, मुझे बहुत कुछ मिला मार्शल आर्ट्स से, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो वी थॉट कि क्या करेंगे, यू नो, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट देती है टू कराटे, वुशू, जूडो, सो टाइकोंडो, इवन टाइकोंडो, यस, दे आर ऑल ओलंपिक स्पोर्ट्स। सो रिकग्निशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है एथलीट्स को, बट एमएमए के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो कृष्णा बहुत बड़ी फैन है एमएमए का, एंड शी इज़ बीन फॉलोइंग यूएफसी मेनी ईयर्स। सो टुगेदर वी डिसाइडेड लेट्स डू दिस, एंड हमारे कंट्री में बहुत सारे एथलीट्स हैं जो बहुत हाई लेवल के एथलीट्स हैं, पर उनको कभी मौका नहीं मिला कि ऐसा रेगुलरली फाइट करें और इसको एक करियर बनाए। तो दैट्स वेयर वी डिसाइडेड टू डू दिस। आपने देखा कि सपना किस तरह से इन्होंने देखा, एक प्लेटफॉर्म दिया और अब इस सपने से तमाम यंगस्टर्स जो बॉक्सर्स हैं उनके सपने पूरे कर रही हैं। बड़ी मेहनत लगती है एक बॉक्सर को तैयार करने में, लगातार एक डर रहता है कि इंजरी ना हो जाए, या सॉरी एमएमए फाइटर, ठीक है, तो वहाँ पर एक अलग तरीके का डर होता है। वो आप सोचेंगे कि शायद वो मेट्रो से या लोकल ट्रेन से वो यात्रा भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, क्योंकि उनको डर रहता है कहीं इंजरी ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। बॉडी को बहुत बचा के रखना पड़ता है, जितना उनकी जिम्मेदारी होती है उतनी आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आप शो करवा रहे हैं, किस तरह से इसको प्लानिंग करते हैं और उनको किस तरह संभालते हैं, या यूँ कह लें सुरक्षा के लिए क्या आप किस तरह से गाइडलाइन आप बनाते हैं? तो एमएमए स्पोर्ट ऐसा है जो जो एथलीट्स हैं एमएमए के, बहुत हाई लेवल एथलीट्स होते हैं, उनका ट्रेनिंग सालों से चल रहा है, एंड ऐसा नहीं कि सीजनल होता है, इट इज़ ऑन गोइंग द ट्रेनिंग। तो व्हेन यू आर सो हाईली ट्रेन, you know how to look after your body and how to make the most of your body also. And another thing is that we follow
जो बोलते हैं यूनिफाइड रूल्स ऑफ एमएमए, ये ग्लोबल रूल्स होते हैं. ऑल एमएमए प्रमोशंस इन द होल वर्ल्ड फॉलो यूनिफाइड रूल्स. बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट होता है एक फाइट. फाउल्स होते हैं, एक रेफरी होता है जो एक्शन में होता है खोज, यू नो. सो ही एनी फाउल पॉइंट्स गेट कट, यू नो. एंड वी हैव अ वेरी गुड मेडिकल टीम who is constantly looking after the fighters during the fight and everything. And we are the only promotion in the whole world who gives insurance for our fighters. So aisa nahi ki sirf aap fight kare to aaj ke liye aapka insurance hai, injury ke baad aapka whole year ka insurance hum log handle karte hain. Jaise injury agar hoti hai to usme bhi aap help kar sakte hain. Definitely. Bilkul ek injury ki humne baat kar li, humne इस इवेंट की बात कर ली, बीच बीच में थोड़ा सा अलग तरीके की बात भी करेंगे, पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात करेंगे आपसे. बड़े रोचक हैं और हम सभी ने बीड़ू, अपने बीड़ू के मुंह से हमने सुना है, लेकिन आपसे हम जानेंगे. 1987 में आपकी शादी हुई और काश फिल्म आ चुकी थी, जग्गू दादा हीरो, तमाम फिल्में आ चुकी थी, बड़े हीरो थे और 3 बत्ती से उठते एक माया नगरी में बड़े स्टार बने थे. लंबा संघर्ष था, वो तमाम स्टेजों पर आपको बताते हैं कि नहीं, बहुत आयशा ने मेरे साथ बहुत स्ट्रगल किया है, इंग्लिश को इम्प्रूव किया है. थोड़ा सा उस पूरे जर्नी को ना थोड़ी सी शॉर्ट में और एक कुछ रोचक किस्से हों तो बताइए. तो आई डोंट नो इफ एवरीबॉडी नोज दिस, बट आई मेट माई हस्बैंड व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड. ऐसे रिकॉर्ड शॉप में मिली थी, वो कुछ रिकॉर्ड्स खरीद रहे थे, मैं भी रिकॉर्ड्स खरीद रही थी. और उस दिन मैं घर गई थी और मम्मी से मैं बात कर रही थी और मैंने कहा आज मैं मेरा फ्यूचर हस्बैंड से मिली. सो एंड आई वाज 13 इयर्स ओल्ड. उसके बाद आई नेवर मेट हिम फॉर 3 इयर्स. देन व्हेन आई 16 इयर्स ओल्ड आई मेट हिम अगेन. और फर्स्ट डेट के लिए मैंने उनको इन्वाइट किया, ऐसा नहीं कि ही इन्वाइट हुई. देन उसके बाद वी वर डेटिंग फॉर अबाउट 10 इयर्स और सो. देन इन 1987 वी गॉट मैरिज, ऐसा. और मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगी इसको, बिकॉज यू नो लव इज़ लव. सो इफ़ यू लव समबडी, यू आर देयर विद द पर्सन बिकॉज यू लव देम. तो रिच है, पुअर है, चौल में रहता है, महल में रहता है, हु केयर्स. यू लव द पर्सन, यू नो, ऐसा. हालांकि आई टेल माई चिल्ड्रन लव इज़ नॉट एवरीथिंग. कहते हैं जहाँ प्यार है वहाँ पर फाइट है, और जो प्यार करता है वो फाइटर से कम नहीं होता. इस प्लेटफॉर्म पर आपका फेवरेट फाइटर कौन है? वो तो नहीं बताऊंगी. फॉर मी आई दीज आर माय फैमिली. यस. एंड यू कांट आस्क अ मदर व्हिच किड यू लाइक मोर, सो डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन. ओके. वैसे दो फाइटर्स की आपकी काफ़ी चर्चा है, मैं जिससे भी मिला उन्होंने उसकी चर्चा की, एक तो अंगद और दूसरा पूजा. तो और कमाल लोग बताते हैं, कमाल के बॉक्सर हैं, लास्ट ईयर के चैंपियन हैं, उनके बारे में कुछ ब्रीफ करिए. पूजा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स बिकॉज शी इज़ अ टफ गर्ल और इतना मेहनत करती है, इतना मतलब सॉलिड लड़की है, कभी गिव अप नहीं करती है. तो उसमें सब क्वालिटीज़ हैं जो आई एडमायर एंड आई लव. And I love to see a girl do well, you know, especially aisa sport mein jo itna physically demanding hai. She's definitely the top female fighter in our country today. And she's the champion, MFN champion also, so I'm very proud of her. Tomorrow she's defending her belt. So I told her, keep the belt home, don't let it go. So fingers crossed, she's going to do well tomorrow. And Angad ki baat hai, Angad is a very different kind of a fighter. Pehla wo shayad lightweight khelta tha, uske baad bantam mein aaya, and now he is fly. So he's our flyweight champion also. Like a monk type attitude hai uska. Yes. Ekdam shant, ekdam, you know, dedicated, all of that. So he's also one of my favorite fighters. Unfortunately, kal he's not fighting. Yes. Because he has declined the fight. Opponent 2 kilos over tha, so that fight got done. स्टेज सब चुका है मैम. सबसे पहले तो मैंने पूरे टूर्नामेंट के लिए आपको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये सक्सेस रहे. जैसे 11 सीजन आपने जबरदस्त रहे, उस
तरह से ये सीजन भी जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।